इट्स क्लियर, मिस्टर खान नहीं चाहते कि अब और मैं उनके घर पे रहूं। मेरा वीजा एक्सपायर होने में 6 दिन बाकी है, पर उनको तो इतनी जल्दी थी, कल की टिकट बुक करवा दी। शाहरुख की कल जा रही, गलती मेरी है। टिकट बुक कराने से पहले मुझे उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उनसे बात करना कोई आसान काम, खुद ही बोलती रहती। I'm sure वो अभी नींद में बोल ही रही होंगी। She drives me mad. He drives me mad. खुद तो confused है ही, दूसरों को भी कर देते हैं। लेकिन लेकिन अब मेरा बैग लास्ट टाइम पैक हो गया और अब ये इंडिया में तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। किसी भी कीमत पे नहीं रुकूंगी मैं अब। हाँ, अगर मिस्टर खान रुकने के लिए कहेंगे तो अलग बात है, बट नो हिंट्स एंड नो साइंस। उन्हें मेरी आंखों में आंखें डाल के कहना होगा कि जोया प्लीज मत जाओ, तब मैं रुकने बारे सोच सकती हूँ। मिस्टर खान ऐसा कहाँ कहने वाले हैं? क्यों मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ? ये सब क्यों सोच रहा हूँ? शाहरुख की हमेशा के लिए थोड़ी आई थी, एक काम से आई थी जो हो चुका है। She is a guest. अब हमें जाना चाहिए, लेकिन मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं सबके बारे में नहीं सोच रहा, बस मैं अब इस बारे में सोचूंगी भी नहीं। लाइफ में इंसान रोज कितने लोगों से मिलता है, सबके बारे में सोचने लग गए ना तो हो गया काम। पीपल मीट, पीपल पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत हो गया। मैं मिस्टर खान के बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सकती?
सोच रही हो कि भाईजान इतने दिनों से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे? इतनी बड़ी बात जो बोलनी थी ना, हिम्मत जुटा रहे थे। वैसे हुमैरा बेगम, अब आप रिश्ते में हमसे बड़ी हो जाएंगी, भाभी जो बोलना पड़ेगा। दाजी? चलो अच्छा, इस बहाने में मुझे आपका बेड तो मिल जाएगा। बेड? हाँ, अब आयान भाईजान के रूम में शिफ्ट हो जाओगे ना। साथ? निखत, तुमने मेरी बाइक की चाबी देखी है? जी नहीं। ठीक है। भाईजान, आप रुकिए, मैं चाबी ढूंढ कर लाती हूँ। नुसरत, चलो चाबी ढूंढ कर लाते। चल ना, चल चाबी देख रहा था। मुझे जाना है। आया? आप मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके, तो क्या आप कुछ वक्त मेरे साथ नहीं बिता सकते? तो कांटा कल निकल रहा है। भोपाल छोड़कर कब जा रही है? तो तू नहीं जा रही है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे असद अहमद खान के घर से कुछ और भी चाहिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे हम बचपन की सहेलियां हैं और मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि जिससे रिश्ता होता है, दिल की बात उसी से कही जाती है। और तेरे मेरे बीच में तो साजिशों के ताने बाने से कमीनेपन का रिश्ता बन ही गया है। और ये रिश्ता एक दिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा रजिया। एक बात कहूं, मेरे दिल को यकीन था कि कभी ना कभी मुझे मेरा पहला प्यार जरूर मिलेगा। हुमैरा, आप नहीं जानती कि हम आपके बारे में क्या फील करते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि... आयान, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तभी तो आपने हमसे निकाह करने की बात सबसे कह दी। आयान, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? मेरे ख्याल से ये दूल्हा थोड़ा शर्मीला है, और वैसे भी आप भाईजान को इतना सताओगे ना तो भाईजान तो भाग ही जाएंगे ना। अल्लाह, हम चुप हैं तो हमें पता नहीं तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी सारी साजिश से हम वाकिफ है रजिया। आयान के साथ भी तुम वही चाल चल रही हो जो परसों पहले तुमने राशिद के साथ चली थी। तुमने राशिद और शिरीन का निकाह करवाकर हमेशा उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन आयान के साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या कह रही थी? हाय अल्लाह, ये काला जादू कौन कर रहा है? नौटंकी कहेंगी, अब दिखाऊंगी तुम्हें।
काला जादू की नानी। टमाटर, मुझसे ये सब नहीं होता। I'm not comfortable. भाईजान, it's very easy. You know what? आपको सिर्फ ये बताना है कि जोया जा रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है। वो जब US में हमें मिस करेगी तो वो देख सकती है ना। प्लीज भाईजान। ओके थैंक्स, मैं थोड़ी देर में आके ले लेती हूँ। Miss Farooqi, I hope you had a pleasant stay. वापस पहुंचने के बाद अपनी आपी और जीजू का मेरा सलाम कहिएगा। और US पहुंचते ही एक बार अम्मी को फोन कर दीजिएगा। And all the best for your future. I hope all your dreams come true. Have a safe flight. I love you. आपको चोट तो नहीं लगी? देखा ना तुमने कि मेरे अपने घर में मुझे कितना बेइज्जत किया जाता है। भाभी, आखिर अम्मी ऐसा क्यों कर रही है? शिरीन, ये तो वही बता सकती है, लेकिन मुझे एक बात तो जरूर मालूम है कि बड़ी भी हमेशा यही कहती हैं कि राशिद मियां इस घर में आकर फंस गए। जैसे कि तुम्हारा निकाह राशिद मियां से करवा कर मैंने कोई जुर्म किया हो। तुमने राशिद और शिरीन का निकाह करवाकर हमेशा उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन अयान के साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मी मुझे पसंद नहीं करती। मैं क्या बताऊं शिरीन, तुमने तो खुद ही देखा है ना कि मैंने तुम्हारी मदद क्या की, कि बड़ी बी को कितनी तकलीफ हो गई। हाँ, मैंने सुना। वो कह रही थी, अभी दिखाती हूँ तुझे काला जादू की नानी। इसका क्या मतलब हुआ भाभी? वो आप पर काला जादू करने वाली है? ये तो मुझे नहीं पता है श्री, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि तुम पर काला जादू बड़ी बी ही कर रहे हैं। टमाटर, तुम सच्चे बहुत स्वीट हो यार। और ये जो जाते जाते तुमने गिफ्ट दिया है ना, ये मेरे लिए अब तक का बेस्ट गिफ्ट है। यू नो व्हाट, आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम सब आपको कितना मिस करने वाले हैं। शायद ये देख के आपको पता चलेगा। एनीवेज, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अभी प्लीज देख लेना और सीढ़ी मत भूलना। ओके, बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं। आई लव यू टमाटर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कोई इतने कम वक्त में किसी के दिल में ऐसा घर बना लेगा। कभी नहीं सोचा था कि जब तुम जाओगे तो इतना बुरा लगेगा। तुम्हारी बहुत याद आएगी जोया। टेक केयर जोया, आई मिस यू द बेस्ट।
जो धूप निकले छाया बन जाऊंगा, जो हो तो अकेली साया बन जाऊंगा, जो उलझन में हो मन मैं बहलाऊं। सर गुप्ता ट्रेवल से बोल रहा हूँ, टैक्सी आपके घर के बाहर आ गई है, जब पैसेंजर रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा। टैक्सी किसने बुक की थी? बुकिंग जोया फारूकी के नाम से है। ठीक है, तो अब मिस फारूकी को यह भी नहीं गवारा कि मैं उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊं। पहुंचने के बाद अपनी आप ही और जीजू का मेरा सलाम कहिएगा, और पहुंचने के बाद एक बार अम्मी को फोन कर दीजिएगा। And all the best for your future. I hope all your dreams come true. And have a safe flight. Allah Hafiz. अच्छा सोया, काश मैं भूल पाता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अच्छा सोया। अरे ये तो एक्चुअली रेड लग रहा है। That's it. ये क्या ना है आपको मिस्टर खान? Hope you had a pleasant stay, have a safe journey. God bless you. आपको पता है मिस्टर खान, इससे ज्यादा पर्सनल गुड बाय एयरपोर्ट के अनाउंसर्स कर देते हैं। मिस फारूकी, मैंने जो कहा वो मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ हो और आपको कोई... Oh, really? यही चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच। You know what, Mr. Khan? मुझे अब तक भी ये यकीन नहीं हो रहा कि आप वाकई इसी तरह के आदमी हैं। I just can't believe it. मैं जानता हूं सोया, ये जो अजीब सा अनसुना अनकहा खिंचाव हम दोनों के बीच है, वो तुम्हें भी इतना तंग कर रहा है जितना मुझे कर रहा है। लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इसे अनसुना ही रहने दें, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे करीब आई तो शायद तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ ना दे पाऊं। I will have to let you go. शुक्र है जोया ने आखिरी हिस्सा नहीं सुना, और अब कभी सुनेगी भी नहीं। कभी कभी बहुत अफसोस होता है, पर क्या करें। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं? I think you should know that.
You know what? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बचपन के दोस्त मिस्टर जैमी अहमद खान किस टाइप के इंसान है। कोई इतने दिनों तक उनके घर रहा और अब जब वो फाइनली वापस जा रहा है तो उन्हें सिर्फ इतना कहना है। Let me show you.